वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं चरण टेक्निकल पॉइंट। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी में यूज कर सकते हैं टाइपिंग मास्टर। दोस्तों, टाइपिंग मास्टर एक ऐप है जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड इन्हेंस करते हो। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे कमेंट किया कि भाई टाइपिंग मास्टर पर वीडियो बनाओ, तो यार फिर मैं लेके आ गया वीडियो टाइपिंग मास्टर पर। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल नहीं करेंगे, पर उसी के जैसा कोई एक ऐप इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें सेम सर्विस प्रोवाइड करवाता हो कम एम बी में। अगर मैं चाहे तो करवा सकता था, मतलब वही काफ़ी ज़्यादा लफड़ा होता, मतलब कई सारे एमुलेटर इंस्टॉल करने पड़ते जिससे ऊपर 100 MB से ज़्यादा ऊपर मतलब ऐप हो जाता। तो मैंने फिर उसमें एक दिमाग लगा के मैंने कोई बढ़िया सा ऐप सोचा जो काफ़ी यूज होता है, काफ़ी अच्छा जिसकी UI है और काफ़ी मतलब लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है। तो उसका नाम है टाइपिंग बाबा। तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा अपनी एंड्रॉइड टीवी पर। दोस्तों, अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को मतलब बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलते हैं अपनी एंड्रॉइड टीवी की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले अपना आपको कनेक्ट कर लेना होगा अपना इंटरनेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने टीवी में वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। दोस्तों, मैं कुछ ऐप्स बताऊंगा जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे और जिससे आप यूज करके आप चला सकेंगे टाइपिंग मास्टर ऐप। सो दोस्तों, प्ले स्टोर में जाते हैं एंड वहाँ पे आपको सर्च करना होगा टीवी ब्राउज़र। दोस्तों, आप चाहे तो कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मुझे काफ़ी कम लैग आ रखा है, मतलब काफ़ी अच्छा है इसका इंटरफेस और UI काफ़ी बढ़िया है। तो मैं इसे आपको यही वाला कहूँगा अला इंस्टॉल करने को, काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है ये। दोस्तों, अब आप टीवी ब्राउज़र लिखोगे तो याला ऐप आपको कर लेना होगा डाउनलोड। अभी दोस्तों ये डाउनलोड कर रखा है पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, पर अभी मैं अपडेट नहीं करूँगा। एंड उसके बाद आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा, साइट और लॉन्चर। अगर दोस्तों आपके में ये मैं याला ऑप्शन तो आपने इंस्टॉल कर रखा है ये, तो आप चाहे स्किप कर सकते हो। ये केवल नए लोगों के लिए है, पूरा मतलब आपको फ़ोन उठाना नहीं है अपना, मैं आपके टीवी से आपका टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करवा दूंगा। ये भी इंस्टॉल कर लिया दोस्तों हमने साइड लोड लॉन्चर। इसके बाद आपको करना होगा FX फाइल एक्सप्लोरर, FX लिखना होगा आपको। ये भी दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर रखा है एंड उसके बाद आपको होम पे आ जाना होगा और जो हमने टीवी ब्राउजर था उसे ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिस पे आपको सर्च वाला ऑप्शन पे लिखना होगा टाइपिंग बाबा ऐप डाउनलोड। आप देख सकते हैं टाइपिंग बाबा APK, इतना भी लिख देंगे APK डाउनलोड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च करना होगा एंड दोस्तों आपका जो तीसरे नंबर का जो लिंक होता है उसे आपको ओपन करना होगा, APK प्रीमियर वाला लिंक जो है उस पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। दोस्तों, ये माउस मैंने दोस्तों परचेज कर रखा है, ये ऐप में नहीं आता है, और ऐप में आता है उसे भी आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉल करते ही नीचे, तो कुछ इस तरह का सो होगा। दोस्तों, अभी परमिशंस आएंगी उसे अलाउ कर देना है और इसके बाद आपको जो ब्लॉक एड्स वाला ऑप्शन है उसे अप्लाई कर देना है ऑन करके। एंड फिर अब थोड़ी देर आपको वेट करना है, आपका जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा इसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, 4.38 MB का ऐप है, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है जिसे आप काफ़ी ज़्यादा यूज कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड टीवी में। अगर आपको टाइपिंग बड़ी स्क्रीन पर करनी है, फ़ोन में दोस्तों वो एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर आपको होम आ जाना और फिर से आपको ओपन करना होगा FX फाइल एक्सप्लोरर। तो मैंने FX ऐप ऑन कर लिया है एंड रिसेंट वाले ऑप्शन, सॉरी गलती से होना, रिसेंट वाले ऐप पर जाना था, रिसेंट वाले पे चले जाओ, उस पर आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा टाइपिंग बाबा APK, तो उसे इंस्टॉल कर लेना।
सुधर से इंस्टॉल हो चुका है ये। यस दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है एंड उसके बाद आपको होम बटन दबाना है अपने रिमोट का। एंड जो मैंने एक ऐप इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था साइड लोड लॉन्चर, उसे ओपन करना है। एंड आपको टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन मिल जाएगी। दोस्तों मैंने टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है। एंड उसके बाद जैसे आप ऑन करोगे तो आपको इसमें चार ऑप्शन मिल जाएंगे। चारों ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। तो आप पहला जो आपको मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग प्रैक्टिस और टेक्स्ट हिस्ट्री जो भी आप लिखते हो पिछला उसमें। जो दोस्तों आप इसमें चाहे तो ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो इतनी सारी। दोस्तों ये सेम बिल्कुल वैसा ही है अगर जो आप टाइपिंग मास्टर यूज करते हो सेम वैसा ही है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस पे कर दिया है एंड मैंने कर दिया आपको ये आपकी रो आप खुद जानते होंगे मुझे कौन सी रो चाहिए। तो मैंने अभी सिंबल पे मैं कुछ सिंबल की प्रैक्टिस करूँगा तो मैं सिंबल पे कर दूँगा। वैसे आप चाहे तो वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो, करेक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो क्लिक करके दोस्तों, जैसे मैंने अभी ऑप्शन बताया था। अभी मैं दिखाऊँगा दोस्तों ये बिल्कुल कैसे वर्क करता है। दोस्तों टाइप हेयर का जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अपने माउस। दोस्तों आपको इसके अपडेट के लिए आपको माउस और कीबोर्ड खरीदना होगा दोस्तों। अभी पर मेरे पास माउस नहीं था, माउस मेरा दोस्तों ख़राब हो गया है। दोस्तों मैं अभी टाइप करके दिखाता हूँ। गाइज मेरा स्टार गलती से रह गया था, फिर से मैं दोबारा टाइप करता हूँ। अब जैसे मेरा जो गलत था उसकी जगह पर रेड आपको लिखा हुआ मिल गया, जिससे आपको पता चल गया कि ये रेड है मतलब गलत है जब हमने गलत टाइप किया है। जब आप सही टाइप करोगे तो ये ग्रीन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया है वो, ये जैसे कि देख सकते हैं रेड और ग्रीन। और अगला जब आना होता है तो उस पर ब्लू हो जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा ऐप है, मैंने इसे काफ़ी दिन यूज किया उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। कहीं या किसी एंड्रॉइड टीम में लैग तो नहीं मार रहा, ये ऐसी प्रॉब्लम मुझे इसमें कोई ऐप में दिखाई नहीं दी। और दोस्तों आप इसमें ये भी देख सकते हैं डार्क मोड भी है और वाइट मोड भी है। तो आप जैसे में सूटेबल हो वो वाला मोड करके आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है दोस्तों इसमें टेक्स्ट एडिटर, तो उसे ओपन करेंगे। इसमें सिंपली आप लिख सकते हो उसी फाइल को WPS में या किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, PPT में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। और चाहे तो आप सेव कर सकते हो उसे अपनी एंड्रॉइड टीवी में। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं हमें। बस हमें टेक्स्ट एडिटर की कोई काम भी नहीं है क्योंकि हमें टाइपिंग करनी है। सबसे पहला मकसद तो हमारा ये है टाइपिंग करने का, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे तब आप W वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड जो आपने चीज़ लिखी हुई है वो आपकी कॉपी हो जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी। एंड उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट था उस पर जाते हैं। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का इसमें कहने का मतलब है आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो और आपका क्या स्कोर रहा है पिछले का, प्रीवियस स्कोर क्या रहा है वो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप यूज करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नहीं चलता है दोस्तों आपको इसे करने के लिए थोड़ा सा नेट चाहिए होगा, बस आप नेट को ऑन करना है, बाकी इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है, नेट बहुत कम नेट लगता है मैंने यूज किया दोस्तों। बस इसे जो वर्ड ढूंढ के लाने में नेट चाहिए होता है दोस्तों, जैसे करेक्टर होते हैं नए करेक्टर होते हैं वो लाने के लिए, वर्ड लाने के लिए इसे बस नेट चाहिए होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। अगर आपका चल जाता है दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना।